कैसा परफॉर्म करके जी क्या किया जाता, कैसा परफॉर्म करके लगा आपको जी? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको पहले तो इस इवेंट के लिए मुबारक हो, और मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि आज दुबई में हमारा सिंधी कॉन्सर्ट हो रहा है, और हम जो भी हमारे सिंधी हैं दुबई में जो रह रहे हैं और दुबई से बाहर सिंध में, सो हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी सिंधी जो इसका उन्वान है इस प्रोग्राम का, वो सिंधी अबाणी बोली। सो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे ही कॉन्सर्ट होते रहे, इवेंट्स होते रहे और हमें मौका मिलता रहे। तो दुबई में पहली दफ़ा परफॉर्म किया? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा, ज़बरदस्त। तो और यहाँ के लोग मुझे इतने अच्छे लगे, यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा है, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो पहली बात तो ये है कि यहाँ जो इवेंट रखा गया है वो सिंधी जो हमारे भाई लोग हैं सिंधी उनके लिए रखा गया है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए। परफॉर्म करके रिस्पांस कैसा मिला आपको स्टेज? अभी किया नहीं है। हाँ, अभी परफॉर्मेंस में नहीं दे रहेंगे लोग इस तरह के जो। अच्छा, मुझे ये बोला गया है कि आपको हम लास्ट में एंट्री देंगे, वो इसीलिए कि फीमेल पता नहीं क्या मसला है, अभी मुझे पता नहीं है। ख्वातीन को पहले मौका मिलना चाहिए उसमें। रिस्पांस हम बाद में देखेंगे, पहले परफॉर्म करें फिर। अच्छा, ओवरऑल जब सिंध की नुमाइंदगी करने जब आप सिंध से दुबई आई तो ओवरऑल क्या जज्बात थे, क्या एहसास थे? एहसास ये थे, खुशी भी थी और एक्साइटमेंट भी थी, और अभी यहाँ देखे परफॉर्म करके क्या होता है, और इंशाल्लाह नसीब रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए भी ज़रूर आना होगा। और दुबई के अलावा और मुल्कों में भी जाने का प्लान है आपका? इंशाल्लाह है, ज़रूर है, हमारा काम ही है। तो थोड़ा सा गुनगुना दें फिर। अच्छा, हिन जनम हुन जनम ले वचन थी कया, माँ जिथे भी हो जा, माँ जिथे भी हो जा, हो सिंध तुए जीतियाँ, हिन जनम हुन जनम ले। थैंक यू।